कड़वा पौधा। एक समय की बात है, एक दयालु व न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य के लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस राज्य की प्रजा को अपने राजा से कोई शिकायत नहीं थी। सभी अपने राजा की प्रशंसा करते थे। यहां तक कि पड़ोसी राज्य के राजा भी उसकी प्रशंसा करते थे। सभी लोग यह समझते थे कि इस तरह की प्रशंसा सुनकर राजा को प्रसन्नता होती है, परंतु ऐसा नहीं था। राजा बहुत अधिक परेशान रहता था। राजा की चिंता का विषय उसका पुत्र था। राजकुमार को सभी लोग बहुत प्यार करते थे तथा उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त थीं। परंतु इकलौता पुत्र होने के कारण वह बहुत बिगड़ गया था। वह अपने पिता की कोई बात नहीं मानता था तथा नौकरों के साथ भी दुर्व्यवहार करता था। उसे शिक्षा तथा राजनीति के कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। उसकी ये आदतें देखकर राजा को भय बना रहता था कि एक न एक दिन उसका पुत्र अपने दुष्कर्मों के द्वारा उसकी ख्याति को मिटा देगा। एक दिन राजा एक विद्वान साधु के पास गया और उसने उसे अपनी दिन रात की इस चिंता के विषय में बताया। साधु ने सारी बात ध्यान से सुनी और सोचने लगा। कुछ देर सोचने के पश्चात साधु बोला, राजन, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। बस तुम अपने पुत्र को मेरे पास भेज देना। अगली सुबह राजकुमार साधु के आश्रम में पहुंचा। आश्रम के चारों ओर एक सुंदर बगीचा था। साधु राजकुमार को उस बगीचे में ले गया। वहां पहुंचकर साधु ने एक नन्हे नीम के पौधे की ओर संकेत करते हुए राजकुमार से कहा, पुत्र जाओ, उस पौधे की पत्ती को तोड़ो और फिर उसे चबा कर खाओ। राजकुमार ने पौधे से एक पत्ती तोड़ी और उसे मुंह में रखा। जैसे ही राजकुमार ने पत्ती को चबाया तो उसने उसे तुरंत थूक दिया और साधु से बोला, थू, अरे कितना कड़वा स्वाद है, आपने मुझे इसे खाने के लिए कैसे कहा? यह छोटी सी पत्ती तो विष के समान कड़वी थी। मैं तो यह सोचकर ही चकित हूं कि जब यह पौधा बड़ा होगा तब इसका स्वाद कितना कड़वा होगा। मुझे इसी समय इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं इस पौधे को पेड़ नहीं बनने दूंगा। ऐसा कहते हुए राजकुमार ने क्रोध में नीम के पौधे को उखाड़ा और अपने पैरों तले कुचल दिया। साधु राजकुमार के इस व्यवहार पर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना हाथ राजकुमार के कंधे पर रखा और बोले, पुत्र, दुश्मन देश के राजा व वहां की प्रजा भी तुम्हें इसी प्रकार मिटा देगी जिस प्रकार तुमने इस पौधे को मिटा दिया। वर्तमान में तुम भी ऐसे ही पौधे के समान हो जो सबसे दुर्व्यवहार करता है। क्या तुम सोच सकते हो इस व्यवहार से तुम कैसे राजा बनोगे? तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा यह व्यवहार व तुम्हारी ये आदतें तुम्हारे राज्य की ख्याति को भी समाप्त कर देंगे।
अब राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कुछ देर सोचा, तत्पश्चात वह साधु के समक्ष झुककर बोला, महात्मन आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया। मैं आज से अपनी सभी बुराइयों को त्यागता हूं। अब मैं बहुत परिश्रम करूंगा तथा अपने राज्य के कार्यों में रुचि भी लूंगा। अब मैं स्वयं को एक अच्छा पुत्र, अच्छा राजकुमार तथा एक सक्षम राजा सिद्ध करूंगा। इस प्रकार एक नन्हे से कड़वे पौधे ने राजकुमार को जीवन की राह दिखाई।